आज हम क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज से पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने लाइट के बारे में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो पहले हम उसको एक रिकॉल देंगे, समरी करेंगे, लाइट होती क्या है, लाइट की जरूरत क्या है हमारी डेली लाइफ में, लाइट के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें जानेंगे, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले तो लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जो व्हाइट लाइट होती है, प्योर व्हाइट लाइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को मिला के हमारे पास एक व्हाइट लाइट बनती है। जो लाइट होती है उसकी स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड होती है लाइट की, वो होती है हमारे पास 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ जो लाइट है वो ट्रेवल करती है। अगर हमसे कोई ये पूछे कि सूरज की रोशनी को, सूरज से लाइट को, सूरज की जो किरणें हैं उसको धरती पे आने में कितना टाइम लगता है, तो उसमें 8 मिनट का टाइम लगता है। 8 मिनट में जो सूरज की रोशनी है, सूरज की लाइट है, वो हमारी धरती पर पहुंच जाती है। इसमें टोटल 8 मिनट्स लगते हैं। तो लाइट और कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, वो कभी भी मुड़ती नहीं है। जैसे कि आप एक छोटा सा पाइप ले लो, रबर का एक पाइप ले लो, पाइप को एक तरफ से देखो, उसमें से आप तो दूसरी साइड देख पाओगे, बट कंडीशन ये है कि पाइप बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर आप पाइप को बीच में से मोड़ दोगे, बीच में से मोड़ के पाइप को फिर उसे देखने की कोशिश करो, तो आप देख नहीं पाओगे। आपको ये करके दिखाता हूं। सपोज मेरे पास ये एक पाइप है जिसके मैं आर पार देख पा रहा हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है ये, तो जिसके कारण मैं इसके एक एंड से दूसरे एंड की तरफ से देख सकता हूँ। अगर मैं इधर से देखू तो मैं इधर की सारी चीजों को देख पाऊंगा, बट ये तभी तक पॉसिबल है जब तक कि फर्स्ट इसका ये ओपन एक पार्ट जो है वो ओपन होना चाहिए। अगर मैं इसे बंद कर दूं और फिर देखने की कोशिश करूं तो फिर मैं नहीं देख पाऊंगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि इसे इस तरफ से ओपन होना चाहिए। सेकेंड, इसे सीधा होना चाहिए। अगर मैं इसे पकड़ के मोड़ दूं और फिर इसे देखने की कोशिश करूं, मैंने ऐसे इसको बैंड कर दिया आगे से, पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट था, मैंने ऐसे पकड़ के इसे बैंड कर दिया, अब अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसके आर पार मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसका रीजन ये है क्योंकि अब आगे ब्लॉक हो गया है लाइट जो है वो। पहले मैं क्यों देख पा रहा था, क्योंकि इस वाले एंड से, इस एंड से लाइट जो है वो अंदर एंटर कर रही थी और जो कि मेरी आंख तक पहुंच रही थी। इधर से लाइट आ रही है और यहाँ मेरी आंख पे पड़ रही है, जिसके कारण मैं हमारी चीजों को देख पा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने आगे से इसे बंद कर दिया तो यहाँ इस एंड से कोई भी लाइट नहीं आ रही। लाइट यहां से तो एंटर कर रही है लेकिन वो यहां से रुक जा रही है, क्योंकि लाइट कभी मुड़ती ही नहीं है। लाइट मुड़ नहीं सकती, लाइट की ये प्रॉपर्टी है, लाइट कैन नेवर बी बेंट। लाइट कभी भी अपने पाथ को छोड़ के मुड़ नहीं सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि शैडोज बनती हैं, जैसे मेरे हाथ की शैडो पीछे बोर्ड पे बन रही है। उसका रीजन ये है कि जो बल्ब से लाइट आ रही है वो लाइट सीधा मेरे हाथ पे टकरा रही है, टकराने के बाद वो आगे मेरे हाथ से टकरा के आगे नहीं जा पा रही। मेरे हाथ से टकराने के बाद लाइट आगे नहीं जा पा रही, जिसके कारण ये पाथ ब्लॉक हो गया। ये पाथ लाइट के लिए ब्लॉक हो गया, जिसके कारण जितना पार्ट ब्लॉक हुआ उतना ही पीछे शैडो बनी। तो शैडो कितने पार्ट के लिए बनेगी, जितना पार्ट लाइट का ब्लॉक हो जाएगा। क्यों बनती है शैडो, शैडो बनने का कारण यही है कि लाइट जो है वो मुड़ नहीं पाती। अगर लाइट मुड़ सकती होती तो लाइट यहाँ पे आके टकराती पहले, फिर यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है तो ऐसे मुड़ के इधर को चली जाती, तो यहाँ पे शैडो नहीं बननी चाहिए थी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, शैडोज बनती है। तो शैडोज बनने का कारण यही है कि हमारे हाथ पे जैसे ही आके लाइट टकराती है तो वो यहाँ खत्म हो जाती है, मुड़ नहीं पाती, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस इधर उधर चली जाएगी लेकिन इधर नहीं आ पाएगी। इसके बैक वाला जो मेरे हाथ का पीछे वाला पार्ट होगा यहाँ तक लाइट नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण ये पार्ट सारा ओबेक हो जाएगा, इसको लाइट पार नहीं कर पाएगी, जिसके कारण यहाँ पे डार्कनेस आ जाएगी। इसी अंधेरे को, इसी डार्कनेस को हम परछाई बोलते हैं। तो शैडोज सिर्फ एक डार्कनेस है जहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लाइट को हम रास्ते में पहले ही रोक लेते हैं। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट
वे में चलती है, हमेशा सीधी लाइन में चलती है, वो कभी भी बेंड नहीं होती है फर्स्ट। और मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि लाइट जो है वो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट जो है वो सिर्फ एक फॉर्म होती है एनर्जी की, और जो लाइट की स्पीड है वो 3×10^8 m/s है। और हम जितनी भी चीजों को देख पाते हैं, हम चीजों को देख सिर्फ इसीलिए पाते हैं लाइट के कारण, अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। अगर मैं इस रूम का जो बल्ब है मैं बंद कर दूं, मैं आपको बल्ब बंद करके दिखाता हूं, अगर मैं रूम का बल्ब ऑफ कर दूं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। उसका रीजन ये है क्योंकि रूम में अब बिल्कुल भी लाइट नहीं है, जिसके कारण आप कुछ नहीं देख पा रहे, लेकिन जैसे ही मैं लाइट ऑन करूंगा तो आप सभी चीजों को देख पाओगे। तो हम देखते कैसे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लाइट जब टकराती है तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि लाइट जो है वो हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही चलती है, वो मुड़ नहीं पाती। जैसे अब लाइट बल्ब से आई और बोर्ड पे टकराई, बोर्ड से टकराने के बाद लाइट इसे पार करके पीछे नहीं जा पा रही, लाइट की किरणें आई बोर्ड को टकराई, लेकिन बोर्ड को टकराने के बाद वो पीछे नहीं जा पा रही, बोर्ड को टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, वापस आगे बाउंस बैक होगी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का आना किसी चीज के साथ टकराना और वहां से पूरा का पूरा वापस आ जाना। जैसे कि अगर आप एक बोल लो, प्लास्टिक की रबड़ की बोल लो, उसे दीवार पे मारो तो दीवार को पार करके नहीं जाएगी, दीवार से टकराएगी और वापस आपकी तरफ आ जाएगी। यही होता है जब आप किसी बोल को किसी दीवार पे फेंकोगे तो बोल जो है वो दीवार से टकरा के वापिस आपके पास आएगी। ये सेम ऐसी होता है जब लाइट किसी वॉल पे पड़ती है तो वहां से टकराने के बाद वापिस आ जाती है। अब बल्ब की जो लाइट है यहाँ पे टकरा रही है और टकराने के बाद वो सारी डायरेक्शंस में इधर उधर बिखर जाती है, बिखरने के बाद कुछ लाइट जब हमारी आंखों में बढ़ती है और हमारी आंखों में उसकी इमेज बनती है। और इमेज कैसे बनती है वो भी हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन में, हमारे आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपको इमेज फॉर्मेशन में सिखाऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हम इसीलिए देख पाते हैं जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट को टकराने के बाद हमारी आंखों में बढ़ती है तो उसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। अब देखने के लिए जरूरी दो ही चीजें है, फर्स्ट तो लाइट होनी चाहिए, सेकेंड हमारी आंखें होनी चाहिए। आंखों के बिना भी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि लाइट को टकरा के हमारी आंखों में आनी चाहिए, लेकिन हमारी आंखों में नहीं आ रही है। तो अगर हम कहें कि सिर्फ आंखों के कारण हम देख पाएंगे, नहीं, देखने के लिए हमें सबसे जरूरी नीड जो है वो लाइट है, लाइट के बिना हम नहीं देख सकते। ये लाइट ही है जो हमें चीजों को विजिबल बनाती है, हम लाइट के कारण ही चीजों को देख पाते हैं। क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराती है, टकराने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंखों में आती है और हमारी आंखों में जो रेटिना होता है, रेटिना में उसकी इमेज बनती है जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। तो अब इस चैप्टर में हमें लाइट के दो फिनोमिना पढ़ने हैं। फर्स्ट फिनोमिना हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन का और सेकेंड फिनोमिना हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन का। पर सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन होता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े और पूरी की पूरी वापिस आ जाए, बाउंस बैक हो जाए, लाइट ब्लॉक पे पड़ी और वहां से बाउंस बैक हुई तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसके हमने दो लॉज पढ़े थे छोटी क्लासेस में, 8th class में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे हमने कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के हमारे पास, हम उसके बारे में एक बार थोड़ी सी रिकॉल करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक मिरर है, इसकी एक साइड जो है वो पॉलिश की हुई है। पॉलिश करने का मतलब है कि लाइट मिरर के आर पार नहीं जा सकती, उधर हमने उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया, रोक दिया। अब लाइट यहां से टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसके कारण रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कर होता है। तो ये लाइट यहां पे टकराई और टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हुई। जो लाइन टकराती है उसको हम मिरर की तरफ एरो से शो करते हैं, और जो लाइन टकरा के वापस आती है उसे हम मिरर से दूर की तरफ एरो बना के शो करते हैं। जो लाइन, जो रे, ये रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट
जो रे ऑफ लाइट मिरर से जाके टकराती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जो रे लाइट की, जो लाइट की किरण मिरर के साथ या किसी भी सरफेस के साथ जाके टकराती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंट किरण। तो ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। अब जो ये दूसरी रे है जो लाइट मिरर से टकरा के वापिस आ रही है या फिर जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वापिस आ रही है उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे ये टकराती है वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, जिस पॉइंट पे ये टकराती है वहां पे हम एक परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री की एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो इसमें आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, वो वाली लाइन जो मिरर से टकरा रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो वहां से टकरा के वापिस आ रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो ये परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे ये वाली है हमारी, ये वाली और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल आई या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड ये रही, नॉर्मल ये रही, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे हम एंगल आर बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ हमारा कहता क्या है, फर्स्ट लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स कि फर्स्ट लॉ हमें कहेगा, ये हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट लॉ हमें कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। अब इसकी स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और ऑल आर इन द सेम प्लेन। जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये हमारा इसकी सेकंड पॉइंट है, सेकंड डेफिनेशन है। तो एक प्लेन में कैसे, अगर आप इसे देखोगे तो ये मिरर के सभी इस तरफ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूं, सपोज ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है, यहां पे आके एक लाइट टकराई, ऐसे आके यहां पे टकराई, टकराने के बाद वो ऐसे वापिस चली गई। अब नॉर्मल यहां पे होगा, ठीक है, यहां पे आप नोटिस कीजिए इंसिडेंट रे आई ऐसे यहां से टकरा के ऐसे वापिस होगी रिफ्लेक्टेड, और नॉर्मल यहां बिल्कुल सीधा खड़ा है। क्या इन तीनों में से इंसिडेंट रे यहां और ये रिफ्लेक्टेड और यहां पे नॉर्मल, ये सारा इस प्लेन के ऊपर की तरफ है, इस बुक के ऊपर की तरफ है, नीचे कुछ भी नहीं गया। मीन्स की वो सब कुछ इधर ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो इधर हो रहा है, नीचे कुछ नहीं जा रहा। आई टकराई, आई और टकराई, बस सब कुछ इसी प्लेन में रह गया, नीचे की तरफ कुछ नहीं गया। प्लेन का मतलब सिर्फ एक ही तरफ होना। तो हमारा ये सारा फिनोमेना जो मिरर की एक ही तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। यही है हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की सेकंड स्टेटमेंट, कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड
एंड नॉर्मल जो है वो तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है इसकी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाइज इन द सेम प्लेन। आई होप आपको रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतने, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।